हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीप और आज मैं आपको मीमिक्स अल्फा के बारे में बताऊंगा। और ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप Xiaomi के मीमिक्स फ़ोन के बारे में तो जानते ही होंगे। ये फ़ोन बहुत ही कमाल के होते हैं और कम प्राइस में ज़्यादा स्पेसिफिकेशन देते हैं। तो Xiaomi ने इसका बड़ा भाई लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है मीमिक्स अल्फा। और यह फ़ोन अभी सिर्फ चाइना में लॉन्च हुआ है और इंडिया में कब आएगा इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। इस फ़ोन में आपको सेल्फ़ी कैमरा देखने को नहीं मिलता, आपको सेल्फ़ी लेने के लिए पीछे वाले कैमरे का उपयोग करना पड़ेगा। चिंता मत करो, इसमें आपको सेल्फ़ी लेने के लिए पीछे एक डिस्प्ले दिया गया है और इसमें जो डिस्प्ले लगा है Xiaomi उसे सराउंडिंग डिस्प्ले कहता है। इस फ़ोन में आपको एक OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसे Xiaomi ने पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया है और डिस्प्ले में ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। वैसे देखा जाए तो यह फ़ोन बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन इसमें कोई बटन नहीं है क्योंकि इसके चारों तरफ डिस्प्ले है, तो Xiaomi ने इसमें प्रेशर सेंसिटिव बटन लगाया है। अब बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। इस फ़ोन में आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें से मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का जिसे सैमसंग ने बनाया है, और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है और 20 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है। और भगवान की कृपा से आपको इसमें फ्लैश लाइट भी देखने को मिल गया। और इस फ़ोन में आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन 855 प्लस देखने को मिलता है जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है, और इसमें आपको 12 GB के रैम और 512 GB की स्टोरेज देखने को मिलेगा। और इस फ़ोन में आपको 4000 mAh की बैटरी भी देखने को मिलेगा जो कि 40 वाट फास्ट चार्जर के साथ आता है। और इस फ़ोन में आपको सभी प्रकार के सेंसर देखने को मिलते हैं, लेकिन इस फ़ोन की एक खास बात है कि यह गिरते फूट जाएगा क्योंकि इस फ़ोन के चारों तरफ डिस्प्ले लगा है, तो फूटने का चांस ज़्यादा है। और जैसे ही फ़ोन गिरेगा आपको हार्ट अटैक आने का भी चांस बढ़ जाएगा क्योंकि इसका प्राइस रखते समय Xiaomi कंपनी को शर्म नहीं आया और उसने 2 लाख रुपये रख दिया। इतने दिन तक हमें एप्पल लूट रहा था, लेकिन अब Xiaomi भी मैदान में आ गया है। एप्पल बोलता था कि हमें 1 किडनी चाहिए, अब Xiaomi बोल रहा है हमें 2 किडनी चाहिए। वैसे ये फ़ोन मोटा है और इस फ़ोन को देखने में लगेगा कि Xiaomi ने अपने पावर बैंक में डिस्प्ले लगा दिया हो और मार्केट में लॉन्च कर दिया हो। वैसे ये फ़ोन आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं, मेरे को तो मस्त लगा, लेकिन इसका प्राइस अच्छा नहीं लगा। और अगर यह इंडिया में आता है तो आप इसे लेना पसंद करोगे या नहीं, ये बात भी नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।